ये ट्यूब जलती नहीं। फिर बुआ उसके लड़की की शादी थी, उसका भी नाम कविता जी। वो तो उसमें अधिकारी थे और 40,000 रुपये की रंगे हाथ रिश्वत लेते हैं। गिरफ्तार हुए सुरेंद्र कुमार और 31/1/2019 को ही अपने अधिकारी थे और 40,000 रुपये की रंगे हाथ रिश्वत लेते हैं। गिरफ्तार हुए सुरेंद्र कुमार और 31/1/2019 को ही अपने महिला है, उससे 40,000 रुपये की रंगे हाथ रिश्वत लेते हैं। आज कन्नू किया इंस्पेक्टर की टीम ने 40,000 रुपये की रिश्वत की मांग की, जो कन्यादान स्कीम योजना के सरकार की योजना है, जिसमें 1,00,000 रुपये का अनुदान सरकार देती है, जिस पर उसने एक शिकायत लिखी थी हमारे पेज की, जिस पर इंस्पेक्टर कन्नू प्रिया को रिपोर्ट किया। टीम का गठन करके उपायुक्त महोदय से मंजूरी लेकर और डी टी पी ओ साहब रेड करी जहाँ 40,000 राशि के साथ AW सुरेंद्र कुमार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कितने हज़ार रिश्वत मांगी थी इसने? इसने 50,000 मांगी थी, 40,000 मेरे की सेटलमेंट होगी और 40,000 की रुपये नगर। तो सर ये पहले किस पोस्ट पे था यहाँ पे? क्या कार्रवाई की जाएगी? सर तो कुछ कर रहे हैं, कर दिया गया है जनाब। इसके रीज्वाइनिंग सर किस पोस्ट पे है? रीज्वाइनिंग है ये DW थे जी, सोशल विभाग डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर थे, जो अभी ये दोबारा सहायक लेबर अधिकारी एक रैंक नीचे आए। तो ये कब थी सर इनकी रिटायरमेंट? कब हुई थी? 2019 में। 2019 दोबारा देखिए सर एग्जैक्ट पे 31/1/2019 को रिटायरमेंट हुई थी, दोबारा रीज्वाइन हुई 27/6/19 को। सर वो लड़की कहाँ की थी जिससे पैसे मांगे गए थे? चूरनी गांव के। ये कौन सी स्कीम के तहत ये पैसे थे? वो 1,00,000 रुपए के बाद कन्यादान जो सरकार देती। कितने पैसे मिलते सर? 1,00,000 रुपए का अनुदान सरकार देती है कन्या, जिसमें 40,000 रुपए। सर अभी रिटायर होने के बाद इन्होंने रीज्वाइनिंग की तो 40,000 रुपए की रिश्वत, तो पहले कुछ जांच होगी कि पहले भी कोई मामला ऐसा इनकी? अभी पहले की हम देखेंगे, इस बार जो भी है कोई शिकायत आएगी उसकी जाँच करेंगे। फिलहाल इन्होंने सब पत्र कर दिया है। और और अगर मैं इनको पैसे नहीं देती हूँ 50,000 रुपए, तो वो मेरे केस को वापस करके और रिजेक्ट कर देंगे। तो आपने कितने पैसे में? और कितने पैसे आज दिए थे आपने? आपने शिकायत कहाँ दी थी इसकी? यही दे दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता, मैं गांव चुनी से रहने वाली हूँ।